जी मैं फिल्म देख चुका हूँ। जी देखिए, बात फ्रेंडशिप की नहीं है, बात यह है कि सबसे पहले तो हम उस इस फिल्म का हिस्सा हैं, एंड जब आप किसी फिल्म के हिस्से होते हैं तो आप चाहते भी हैं कि आप उस फिल्म को प्रमोट करें और आप उस फिल्म को पुश करें जितना आप कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ हूँ बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट आई एम पार्ट ऑफ एंड प्राउड ऑफ एंड टू प्रमोट टू सपोर्ट। बेस्ट कमेंट तो अभी तक का ये रहा है कि मेरी एक ट्यूशन टीचर हुआ करती थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके डांटा है कि तुम इतने इविल कैसे हो सकते थे टूवर्ड्स टीचर्स, मैंने क्या कमी कर दी। मैंने उनको समझाया मैम ये सब एक रोल है, एंड कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, हर जगह से। अब सोशल मीडिया इतना हो गया है कि आपको पता ही चल जाता है कि ऑडियंस को कैसी लग रही है, एंड द ऑडियंस पोल इज़ फैंटास्टिक, सो इट्स ग्रेट। जी देखिए, इस तरीके से मैंने अभी तक वैसा फेस नहीं किया क्योंकि या तो मेरे माँ बाप ने फेस किया हो या तो मुझे बच्चा पैदा करना पड़ेगा तब मैं फेस करूँ। क्या सेम चीज़ जो मैंने उसको मजाक जी देखिए, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, हमेशा से स्टैंड आउट ही करता था क्लास के, या तो मैं ज़्यादा बेंचेस पर खड़ा रहता था, बहुत कम बैठा था, और मेरी टीचर्स मुझसे तब भी बहुत प्यार करती थी, मुझे पता नहीं क्यों, एंड मैं चहीता था उनका, मैं बहुत मिस्चीवियस था, पीछे बैठना चाहता था लेकिन हमेशा आगे बैठा दिया करता था, और इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, स्कूल वॉज फन बिकॉज ऑफ द प्रैंक्स, बिकॉज ऑफ द मस्ती, स्पोर्ट्स, बट यू मिस योर टीचर्स। एंड मजाक की बात है लेकिन इसको सीरियसली भी लिया जा सकता है कि हम में से कितने हैं जो हमारी पुरानी टीचर्स को आज भी याद करते हैं या टच में रहते हैं। आप अपने बच्चों को कैसे करना चाहेंगे? पहले शादी तो कर दो। देखिए जब होगी, जब होगा तब देखा जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे आया हूँ, जूही जी ने मुझे बुलाया है अपने ये शो दिखाने के लिए, लेकिन मैं पहले ही देख चुका हूँ, तीन चार दिन पहले हमने जब फिल्म देखी अपनी फैमिली के साथ। ये सच है वाकई कि जैसे मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए क्योंकि मतलब जिसमें एक मैसेज है। फिल्म देखने के बाद मेरे को ज़्यादा ये हुआ, मैं थोड़ा दुखी भी हुआ कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैंने कभी स्कूल देखा नहीं, मैं नर्सरी के जी भी नहीं पढ़ा, सबको पता ही है, पर मेरे को लगा मैं किसको फ़ोन करूँ। एक ऐसा मैसेज है, ऐसी चीज़ है कि कभी आपने अपनी टीचर को जहाँ जिससे आप पढ़े हो अपने कभी फ़ोन कभी किया, कभी मैसेज किया, ये एक मैसेज है। लेकिन ये फिल्म देख के पता चलता है, मतलब रोना आ जाता है कि क्या फिल्म है, क्या मैसेज है, क्या क्या होता है स्कूल कॉलेजों में। ये तो फिल्म हर स्कूल में हर कॉलेज में फ्री मतलब हो जाए, मैं कहता हूँ सबको दिखानी चाहिए ऐसी फिल्म। मैंने बरसों बाद ही ऐसी फिल्में बनती हैं कि ये इस फिल्म में मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें ये नहीं देखा गया कि इसमें कमाई कितनी होगी, पैसा कितना कमाया जाएगा, ये देखा गया कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या फिल्म है। मैं तो बहुत खुश हूँ।